अपरो कुछ झेलना पड़ रहे है मारो भक्त होर उनकी किस्मत में कहीं लिखे है महाराज। तो ठाकुर जी दोया ने 700 रुपया दिया ब्याज सहित, किलो ठगा पीसा रखो। बोल चावरिया सेठ की है और खूब धन दियो, न न लिया हाथों तो वन दिया, किलो रखो। और अटिक देखो आस्वामियों की कितनी सूझबूझ है कि जब ब्याज समेत पूर्ण हिसाब हो गया तो उन्होंने पीछे मुड़ के ना देखा कि वापस दोबारा इनको उधार देना नहीं देना, गिरवे रखना नहीं रखना। यही कलयुग है महाराज, पीछा मिल जाओ तो कोई फाच ना देखे, सब भाग वाला। अब गांव में हाको मच गयो तो नरसी तो जादूगर, नरसी जी तो बहुत बड़ो जादूगर है, जादू टोना करे वो तो गांव में कई एक भवानी नाम का मस्करो रहे तो वो सब गांव वाला ने जार के वे आज तो नरसी जी के टखाणो जीवनो आज तो वहां पिताजी को श्राद्ध है, श्री कृष्ण दामोदर जी को श्राद्ध है और आज आप सबने वे टखाणो खबर चालना है। नरसी जी ना बोला बुलाबा वे मैंने क्यों वे काम घना बीजी जो वे ना वे तो मैंने क्यों कि तू सबने नूतो दे दीजिए और सबका सगरी को नूतो है सबने चालना है। तो महाराज और उस समय गांव में कटे भी खानो हो तो नरसी जी और नरसी जी सूर्या सब भागता दौड़ता क्यों खानो है खानो चलो चलो लोटो लेर जाता लुगाया पहली लोटो लेर जाती है खानो कब जाती है सब भागता कि आज बटे जीवनो है चलो जीमा। तो महाराज सबने बोल दियो कि आज नरसी जी का टखाणो सबने चाल लो। अब सब आवे नरसी जी का घरे, नरसी जी सबने आता देख रहे सोचे और आज तो टखाणो दिखे, अरे सूर्या हर 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 चलो चलो खाणो खाव चलो, सब भाग रहे आप ही भागा खाणो खाव चला। अब सब सूर्य और नरसी जी भी वहां साथ सब भाग वाला, अब सब गांव वाला क्या होते कटे जा रहे हो, मैं तो खानो जीम्बा आपका घरे ही आ रहा, भोजन करबा आपका घरे ही आ रहा, आप कट जाओ। तो नरसी जी बोलिया हमारे घरे कि महाराज मैं आपने पानी नहीं पिला सकू, मारी दशा अफी है, मैं आपने सबने पानी नहीं पिला सकू, भोजन कहीं कराऊ महाराज। तो सब गांव वाला बोले देखो नरसी जी थे अतरा सालों मां कटे खानो खाता आ रहा हो जीमता आ रहा हो, आज तो थाने जिमाणो पेड़ी खटो भी लो बोले। नरसी जी कहे चलो बैठो खटनो खटो व्यवस्था करूं। तो नरसी जी तुकाराम जी सेठ के पास गया कि सेठ जी माने कुछ धन दो कुछ पीसा दो जो हमारा पिताजी रो श्राद्ध में अच्छे से कर सकूं, सबने भोजन करा सकूं। तुकाराम जी कहे कि कई चीज हो तो दो गिरवी रखूं भच पीसा दे। अब नरसी जी कहे हमारे पास तो कहीं नहीं है महाराज,
अब नरसिंह जी के में हर पास एक केदार को राग है, उन्हें गिरवी रख लो। अब तू का राम जी के में केदार रा राग ना कहीं करूं। नरसिंह जी के में कि मैं जद भी केदार को राग गाऊं, ठाकुर जी स्वयं मार पास आवे। तो सेठ जी बोलिया, चल ठीक है। एक नरसिंह जी के पास जब खूब धन हो तो तुकाराम जी वहां पीछा उधार लेकर वह भी दुकान बढ़ाई। इसीलिए नरसिंह जी, सेठ जी बोलिया, नरसिंह जी एक दिन आप भी मारे काम आया, दो मैंने केदार राग दो। और केदार को राग गिरवी रख के कि जो चाहे जो ले जाओ, और बड़े प्रेम से श्राद्ध करो अपने पिताजी को, श्राद्ध बड़े प्रेम से करो। अब अटी ने ठाकुर जी महाराज एक बिहारी नाम को हलवाई बंडर नीचे धरती पाया, और सब गांव वाला ने अपने हाथों 56 भोग जिमाया भगवान। और उसी दिन से सांवरिया का नाम बांकी बिहारी पड़ा। बोल बांके बिहारी लाल की। छप्पन भोग सभी को जिमाया, और बिहारी का रूप धरने के बाद भगवान नरसिंह जी का रूप धर के आए और सभी से विदा, सभी को विदा किया। तो इधर से नरसिंह जी आए पैसे लेके, तो गांव वाला बोलिया कि नरसिंह जी आनंद आ गयो, आज तो खूब भर पेट भोजन करो, मैं तो 56 ही भोग जीम लिया, मजो आ गयो, आनंद आ गयो। अब नरसिंह जी कहे, मु तो पीछा की व्यवस्था करी, अबल आयो सामान ही अबल आयो, अन आनंद के को आयो। तो नरसिंह जी का ही रूप में ठाकुर जी ने देखा। तो नरसिंह जी ठाकुर जी के पास गया और पेरा में गिर गया, चरणा में गिर गया कि महाराज ठाकुर जी आप ही हो मारा तो, और कोई नहीं है। रोबा ला गया महाराज कि आज आप नहीं होता मारी जिंदगी में, मैं आपको भक्त नहीं होता तो मैं कशान ऐसी व्यवस्था करतो, आपने आज मारे लिए मारो रूप धारण करना पड़ो, बिहारी हलवाई रो रूप धारण करना पड़ो, मारी तो जिंदगी सुधर गई महाराज। अब ओ भवानी मस्करा कर, अब भगवान तो गया अंतर्धान हो गया। अब भवानी मस्करा कर मन में एक बिया बात खटक गई कि नरसिंह तो लायो कटो, 56 भोग जिमा दिया, लायो कटो, कोई ना कोई तो जादू टोना जरूर करे। अब महाराज तब भवानी मस्करो गांव का राजा राव मंडली का राजा राजा जी के पास गयो और बोलियो कि महाराज तलाजा गांव में एक नरसिंह ठगा रहता है, पता नहीं क्या चमत्कार करता है, जो भगवान खुद उससे मिलने के लिए आते हैं, खुद उसे दर्शन देने आते हैं, ऐसा पता नहीं क्या है उसके पास। तो राव मंडली के राजा सैनिकों को बोलता है कि जाओ नरसिंह जी ले रहो। तो नरसिंह जी ने सैनिक सारा बांध ले रहा है। नरसिंह जी बोलिया महाराज मारा कहीं गलती होगी है, मैं आपने निमंत्रण नहीं दियो, भूल गयो, चलो बाहर चलो जीमो। महाराज कहे कि माने जीमणो नहीं है, माने तो वह चीज बता जो तू भगवान ने याद करे स्वयं थर पास आ जा। जय हो।
अब नरसिंह जी कहे मैं कोई जादू टोना नहीं करूं महाराज, मेरे पास तो कोई चीज ही नहीं है, मैं कुछ नहीं करूं। तो अब राजा राव मंडली का नरसिंह जी के सामने ठाकुर जी की मूर्ति रखी और वो मूर्ति में एक माला डाल दी और बोलिया कि 24 घंटा के अंदर अंदर अगर यह माला तेरा गला में नहीं आई ना तो मैं थने और तेरा सूर्य ने पूरा परिवार वाला ना मार दे, एक ने भी नहीं छोड़ूला। तेरी भक्ति है ना, आज तो तेरी भक्ति बता, अगर यह माला नहीं आई तो तू तो सोच ले तू तो गयो। तो महाराज अब नरसिंह जी बेचारा बहुत परेशान हो गया, अतरा दुखी हो गया, न तो मेरे पास केदार को राग, भगवान ने बुलाओ तो भी किमो बुलाओ। नरसिंह जी ने एक जेल में बंद कर दियो, नरसिंह जी पूरी रात रोवे पूरी रात। अब बेचारो इंसान ऐसा संकट में फंस जावे, खुद को ऊपर ही लेर देखो तो कहीं स्थिति होवे महाराज। तो ठाकुर जी नरसिंह जी रो रूप धरिया और तुकाराम सेठ के पास गया रात में, रात के महीने 2 बजे कि ओ तुकाराम जी, ओ तुकाराम जी कि मैं नरसी। तुकाराम जी कहे नरसी जी इतना रात में कहीं ले आया। नरसी जी कहे ठाकुर जी कहे कि मैं था को हिसाब करवा आयो हूं, मारो केदार को राग ले आयो। तुकाराम जी कहे सुबह आ जाता जल्दी ही गई। तो नरसी जी बोलिया लेनो जी को लेनो और देनो जी को आधी रात रात में उठ देनो। जय। तो महाराज तुकाराम जी बाहर आया, नरसिंह जी वहां को हिसाब करियो ठाकुर जी और केदार को राग लियो और केदार को राग लेर महल में आया, राव मंडली का महल में, और राजा की रानी को रूप धरिया, रानी जी को रूप धरिया और एक हाथ में गिलास रो पानी ले नरसिंह जी की तरफ जाबा लग गया। तो राजा बोलिया कि रानी जी कटे जाओ। तो रानी जी बोलिया कि बेचारो नरसिंह सुबह को भूखो तसायो है, उन जार पानी तो पिला रहा हूं, थे तो कोई पूछो ही नहीं, बेचारो ब्राह्मण मर जाओ लो। और ब्राह्मण की हत्या मतलब भगवान हत्या, ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या पर। और रानी को रूप धर कर राजा भी बोले हाँ जाओ जाओ, बेचारो ब्राह्मण नहीं मर जावे उन्हें पानी पिला रो। तो रानी जी को रूप धर के ठाकुर जी नरसिंह जी के पास गया और बोलिया कि नरसिंह जी लो पानी पी लो। नरसिंह जी कहे जब तक मारो सांवरियो नहीं आ जावे मु थूक भी नहीं निंगलू पानी, तो बहुत दूर की बात है। तो रानी जी ठाकुर जी बोलिया नरसिंह जी मारो मुंडो तो देखो, देखो तो सही। तो नरसिंह जी बोलिया मैं पूरा पराई मन पराई लुगाई रो मुंडो नहीं देखो। जय। ऐसे भी मर्द होते हैं। अब ठाकुर जी के एक बार देखो तो सही ऊपर नाड़ो।
नरसी जी तो फरक गया। अब नरसी जी ऊपर देखा तो ठाकुर जी स्वयं रानी को रूप धर का आया और बहुत रोया महाराज। और ठाकुर जी वन पानी पिलायो और वन केदार को राग दियो और नरसी जी ठाकुर जी का चरणा में गिर गया कि महाराज आज हमारे लिए आपने नारी को वेश धरना पड़ो। हमारे लिए कहीं कहीं नहीं करना पड़ रही हो आपने। और आशीर्वाद देर ठाकुर जी अंतर्धान हो गया। और ठाकुर जी जब केदार और राग मिल गयो तो केदार को राग गाबा लग गया महाराज। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम मन मंदिर की ज्योति जगा दो। मन मंदिर की ज्योति जगा लो। मन मंदिर की ज्योति जगा दो। मंदिर की ज्योति जगा दो। घट घट बाजी दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। मंदिर मंदिर
दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन नरसी जी बहुत ही सुंदर आज का यह कार्यक्रम सायंकाल वेला की ओर चल रहा है। अब हमारे गोपाल जी शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा आपको तो महाराज आज की कथा अटे ही विराम करा। सेठ की जय। आप सभी, हाँ आप सभी भक्त लोग अपने स्थान पर बैठे रहें, लिए कोई नहीं जाएगा। प्रथम दिवसीय नानी बाई के मायरों में आपने पधार कर जो आयोजन समिति को आशीर्वाद प्रदान किया, उनका मान सम्मान बढ़ाया, दिल से हम आपका शुक्रिया और हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं। दो चार मिनट का समय और आपसे मांगते हैं, आप बिराजे रहें। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि नानी बाई को मायरो आज पहला दिन, दो दिन और चलेगा। ठीक एक बजे कथा प्रारंभ होगी, चार बजे समापन करने का प्रयास होगा। आज प्रथम दिवस पे थोड़ा लेट हो गए हैं, क्षमा चाहते हैं। दूसरा, जो भी भक्तजन, श्रद्धालु, धर्म प्रेमी सज्जन यहाँ सहयोग करना चाहे नानी बाई का मायरों में, आप व्यासपीठ सहयोग, अपना स्वैच्छिक सहयोग कर सकते हैं। तीसरा, जो ये बाहर से जो कलाकार टीम जो आई हुई वाद्य यंत्रों पे जो अपने प्रतिभाएं निखार रही है, बजनों से ऑक्टोपेड, ऑर्गन, ढोलक, हारमोनियम, इनका आज बनोड़ा बंदोरा जो कहते हैं अपन, गोपी राम जी महाराज की तरफ से है। गोपी राम जी महाराज की ताली बजाकर आप स्वागत करें। जो भी भक्तजन बाहर से जो टीम पधारी हुई है, भक्त लोग, कलाकार टीम पधारी, उनको अगर कोई बनोला भी स्वैच्छिक देना चाहे, सादर आमंत्रित है। हमारे रामपाल जी शर्मा साहब से संपर्क कर सकते हैं, सुबह अलग शाम को अलग, जो भी इन भक्तों को प्रसाद जिमाना चाहे, घर भोजन प्रसाद। मैं हमारे बीच में कुछ मेहमान पधारे हैं, उनको आमंत्रित करता हूं, वो शीघ्रता से पधारे और व्यासपीठ का सम्मान कर आशीर्वाद ग्रहण करें। अरुण जी अजीब साहब जो हमारे राष्ट्रीय कविराज है, राष्ट्रीय स्तर के कविराज है, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पधार कर व्यासपीठ का सम्मान कर आशीर्वाद ग्रहण करें।